जैसे इस सीजन में प्रियंका ने बोला है, सौंदर्या ने बोला है, अर्चना ने भी बोला है कि बिग बॉस बायस हो जाते हैं, और फिर साजिद खान ने इस बात पे बोला था कि अर्चना को वापस लाया गया था जब, तब भी उन्होंने कहा था और ये कहा था कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी बोलो या वो कुछ भी बोलेगी तो भी उसे निकाला नहीं जाएगा, तो उसके अगेंस्ट उसके लिए बिग बॉस बायस है। तो आपको क्या लगता है ये इस बार बिग बॉस मेरे हिसाब से तो हर साल खेलते हैं, इस बार मान रहे हैं कि वो खेल रहे हैं तो ये उन्हीं के हाथ का गेम है, और मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ नहीं, काफ़ी हद तक जैसे बिग बॉस खिलाना चाहते हैं वो बायस हो जाते हैं, पर आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट। वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की गेम है, वो जैसा चाहे वैसा खिलाएं, और यही गेम है। बट मुझे लगता है कि एक बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका शो इस हद तक नीचे गिर जाएगा तो कहीं वो शो के लिए जो इज्जत और रिस्पेक्ट है व्यूअर्स में, कहीं वो ना नीचे गिर जाए। तो क्योंकि अगर अभी तक तो ले रहे हैं, बट अगर पेरेंट्स ने या बड़ों ने देखना ये शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी लांछन लगाई जा रही लोगों पे और ऐसे कर्ज दिए जा रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे टेस्ट में है। अच्छा विकास, इस सीजन में कई बार ऐसा बोला गया है, चाहे वो प्रियंका हो, अर्चना हो या सौंदर्या हो, कि बिग बॉस बायस है, और इसी बात पे साजिद खान ने बोला था अर्चना के लिए कि अर्चना कुछ भी कर ले अर्चना नहीं जाने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि इस चीज में जिस तरह यू नो साजिद खान स्क्रीन प्ले बता देते, एक तो पूछने दे सौंदर्या ने बोला है, अर्चना ने भी बोला है कि बिग बॉस बायस हो जाते हैं, और फिर साजिद खान ने इस बात पे बोला था कि अर्चना को वापस लाया गया था जब, तब भी उन्होंने कहा था और ये कहा था कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी बोलो या वो कुछ भी बोलेगी तो भी उसे निकाला नहीं जाएगा, तो उसके अगेंस्ट उसके लिए बिग बॉस बायस है। तो आपको क्या लगता है इस बार बिग बॉस मेरे हिसाब से तो हर साल खेलते हैं, इस बार मान रहे हैं कि वो खेल रहे हैं तो ये उन्हीं के हाथ का गेम है, और मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ नहीं, काफ़ी हद तक जैसे बिग बॉस खिलाना चाहते हैं वो बायस हो जाते हैं, पर आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट। वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की गेम है, वो जैसा चाहे वैसा खिलाएं, और यही गेम है। बट मुझे लगता है कि एक बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका शो इस हद तक नीचे गिर जाएगा तो कहीं वो शो के लिए जो इज्जत और रिस्पेक्ट है व्यूअर्स में, कहीं वो ना नीचे गिर जाए। तो क्योंकि अगर अभी तक तो ले रहे हैं, बट अगर पेरेंट्स ने या बड़ों ने देखना ये शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी लांछन लगाई जा रही लोगों पे और ऐसे कर्ज दिए जा रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे टेस्ट में है। अगर आप एविक नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि एविक होना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए ये गेम ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं कह सकते कि कौन एविक्ट होगा या नहीं होगा, बट अगर मैं कहूँ कि कौन इन्वॉल्व था मुझसे कम, तो बहुत सारे लोग, और जिनके पास कोई गेम ही नहीं था और कोई था ही नहीं उनकी सच्चाई और चीज़ें करने, वो हैं सौंदर्य, शुद्धता और निमृत, हाँ, और मुझे अगर लगे कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी जाने चाहिए, इनके नकाब उतरने चाहिए, और आई होप कि आने वाले कुछ वीक्स में उतरें ताकि जनता तक वो सच्चाई पहुंच पाए। ऑनेस्टली आई फील लाइक अ विनर, क्योंकि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, और इतने ही कम समय में आप सब जो सच में इतनी अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, थैंकफुल। बट ऑन सीरियस नोट, मैं चाहूँगा कि अब्दू जीते, मुझे अब्दू, चाहे वो मुझे गलत समझे या सही समझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुझे लड़का लगता है कि बहुत अच्छा है, खुदा का बंदा है, और उसका जो दिल है वो सही जगह पर, उसने अपनी अच्छाई शुरुआत से अभी तक बरकरार रखी है, तो मैं तो चाहूँगा वो जीते। आपके वो बैग में क्या है, क्योंकि माइक से ज़्यादा वो फैनी पैक लेके घूम रहे हो घर में, तो वो बैग में क्या है? काफी लोगों ने बहुत सबको जानना है ये चीज, क्या था वो बैग? आप सबके लिए, सबको तो नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए कुछ राज राज ही अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक चीज बता दो जो यू नो ऑडियंस इसे समझ जाए, हाँ चलो ठीक है ये था, कि बैग में पांच चीजें हैं, लेकिन yes, क्या है एक दो चीज बता दीजिए। मैं आप सबका प्यार उसमें लेके घूमता हूँ, सीरियस से लगा के रखा है मैंने।
ओके सो लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? जी आप सबको मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और आप सबको बहुत सारा प्यार, आपकी फैमिली को बहुत सारा प्यार, और मैं आपके लिए सबसे सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि आपने मेरी तरफ इतना प्यार दिया है, मेरी सच्चाई आप तक पहुँची और आपका सपोर्ट मेरी तरफ रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है मेरी। प्लीज़ अपना ये जो प्यार है इसको बरकरार रखिए एज अ फैमिली, हमें बहुत लंबी जर्नी साथ में तय करनी है, अभी ये तो बस शुरुआत है, और इसे बरकरार रखिए एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।